तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो फाइनली गाइस, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी जान, सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी जान। एंड इसके अलावा गाइस, आपको पता है कि बीजीएमआई के अंदर 3.0 का जो अपडेट था कल, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो डिवाइस हैं गाइस, सबको मिल चुका था। कुछ डिवाइस थे जिनको शाम तक भी मिल चुका था, बट वो अपडेट आने के बाद बीजीएमआई के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है। जो काफ़ी चेंजेस हुआ है ना गाइज, कुछ चेंजेस तो आपको पता ही है कि क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस ऐसे भी हैं जो आपको नहीं पता। जो आपने गेम ओपन की होगी ना, तो आपने पूरा गेम अच्छे तरीके से ओपन करके नहीं देखा होगा, हर इवेंट आपने ओपन करके नहीं देखा होगा, तो कुछ इवेंट ऐसे भी जो आपको नहीं पता। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर आपको मैं बता दूंगा कि क्या कुछ चेंजेस हुआ है जिससे आपका फायदा होने वाला है, ठीक है ना। काफी बंदों को उस इवेंट के बारे में पता भी चल चुका होगा, बट कुछ बंदे हैं जिनको नहीं पता था, तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा मेरे जान। एंड इसके अलावा गाइज, अपनी गेम के अंदर सुबह ही 1.6 एमबी का एक छोटा सा पैच अपडेट आया था। तो जैसे ही वो पैच अपडेट आया है, तो उसके अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा मेरी जान। तो सबसे पहले गाइज चलते हैं अपना मिथिक फौज के अंदर। तो जैसे आप मिथिक फौज के अंदर जाओगे, तो फिलहाल गाइज आपको यहाँ कुछ भी इवेंट अभी न्यू ऐड होता नजर नहीं आएगा। तो फिलहाल आपको करना ऐसा है, जैसे ये नीचे लिखा होता है ना इवेंट शॉप, तो इवेंट शॉप पे क्लिक करोगे मेरी जान, तो इधर पहले आपको गाइज यहाँ आउटफिट वगैरह या फिर मास्क हेडगर कुछ मिलते थे, ठीक है ना, इधर से वो रिमूव कर दिए गए हैं। बट अभी तक फिलहाल यहाँ जो एक्सूट का जो स्टोन होता है, या फिर अपने मिनी मटेरियल होते हैं, ये अपना फ्रेगमेंट होता है, मिथिक का एम्बलम फ्रेगमेंट होता है, ये भी पड़ा है। बट जो यहाँ से आउटफिट या हेडगर रिमूव किए ना गाइज, उसकी जगह आपको ये 50 UC का जो कूपन होता है, ठीक है ना, ये ऐड कर दिया गया है, जो सबसे बढ़िया मेरे को लगा मेरी जान। क्योंकि उधर से आउटफिट या फिर मास्क तो कोई परचेज नहीं करता था, क्योंकि काफ़ी वाउचर का था, तो इसलिए कोई यूज़ नहीं, उसको परचेज नहीं करता था। बट उसके जगह का गाइज ये वाला वाउचर ऐड कर दिया गया है, जो मेरे को सबसे बढ़िया मस्त लगा मेरी जान। क्योंकि गाइज जहाँ भी आपको 60 UC लग रही है ना, अगर आप ये वाला वाउचर यूज़ करोगे, तो आपका 10 UC के साथ ही आपका काम चल जाएगा, यानी कि आपका 10 UC के अंदर स्पिन हो जाएगा अगर आपके पास ये वाउचर पड़े हैं। तो अगर आपके पास गाइज अच्छे खासे ये वाउचर पड़े हैं ना, ये वाले वाउचर होते हैं, ये वाले वाउचर कहाँ गए, जो आपको हर इवेंट के अंदर मिलते रहते हैं वाउचर, ये देखो, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ आप परचेज करते हो ना, अगर कोई इवेंट आता है, जैसे अपना ग्रोइंग पैक आएगा या फिर UC परचेज आएगा मिथिक, अगर कोई पैक बाय करते हो, ठीक है ना, फ्रेगमेंट का, तो भी आपको यहाँ से ये वाले जो डील वाउचर रहते हैं ये मिल जाते हैं मेरी जान, ठीक है ना। तो आपको ये डील वाउचर जितने भी आपके पास पड़े होंगे, तो आप यहाँ से इनसे ये 50 UC का जो कूपन है गाइज, ये ले सकते हो, ऑलमोस्ट 20 गाइज, तो 20 आप ले सकते हो गाइज। यानी कि आपको इसका एक कॉस्ट पड़ेगा 4 वाउचर का, यानी जो डील वाउचर है 4 पड़ेंगे मेरी जान, ठीक है ना, ये 4 वाउचर का एक पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आपके पास अच्छे खासे ये डील वाउचर है, तो आपको यहाँ से ये 50 UC का जो गाइज ये वाउचर है आप ले सकते हो, और आप जहाँ 60 UC का आप स्पिन करोगे, उसकी जगह आप 10 UC का स्पिन कर पाओगे, और यहाँ से ये वाउचर लेके अपना लक आजमा सकते हो 10 UC के अंदर। जैसे अभी अपनी न्यू M4 आई है ना, तो उसके अंदर जाके आप इसको यूज़ करो, और 10 UC के अंदर अपनी क्रेट ओपनिंग करो, अगर अच्छा खासा लक हुआ आपका, तो आपको गाइज 10 UC के अंदर ही M4 मिल जाएगा मेरी जान। तो ये किसको पता था गाइज कि अपना इधर ये वाउचर ऐड हुआ है, मेरे को नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। जिसको पता था वो भी कर देना, जिसको नहीं पता था वो भी कर देना मेरी जान, ठीक है ना। ये कुछ भी ऐड हुआ है। एंड इसके अलावा गाइज, अपनी गेम के अंदर सुबह सुबह एक छोटा सा पैच अपडेट आया था 1.6 MB का। तो जैसे वो पैच अपडेट आया मेरी जान, तो कल आपको पता है कि जो अपनी M4 थी, ये शेडो अल्ट्रा वाली M4 थी, जो न्यू M4 आई है, तो कल गाइज, तो इसका साउंड चलने दो, थोड़ा साउंड ज़्यादा इरिटेट करता है, ठीक है ना। तो कल ये M4 आई थी, तो गाइज आपको पता है कि इसका जो गाइज गो टू लैब नहीं हो रहा था, बट फिलहाल गाइज अभी गो टू लैब हो रहा है। तो 1.6 MB का सुबह अपडेट आया, तो उसके बाद गाइज ये, ठीक है ना, अपना गो टू लैब के अंदर ऐड कर दी गई है। तो सबसे पहले गाइज आपको मैं इसका जो किल इफेक्ट है वो दिखा देता हूँ। एंड इसके अंदर गाइज एक न्यू चीज़ ऐड हुई है, ये एक्सप्लोजन वाली, ठीक है ना, ये ब्लास्ट होता है कुछ, जब आप लेवल 2 कर लोगे इसको, तो ये कुछ ब्लास्ट टाइप का दिख रहा है इसके अंदर, ये चीज़ ऐड हुई है गाइज। ये मेरे को बढ़िया लगा M4, जो अभी फिलहाल न्यू फीचर के साथ हमें ये वाली M4 मिल रही है। और जो मैंने आपको वाउचर बताया ना गाइज, वो आप वाउचर लेके अपना इस M4 के अंदर अपना लक आजमा सकते हो, ठीक है ना। एडवांस फॉर्म के अंदर ये ऐसा लगने वाला है, और इसका जो किल मैसेज है, ब्रॉडकास्ट है, वो भी बढ़िया गाइज ये वाला, ठीक है ना। और इसका हिट इफेक्ट भी है, और इसके अलावा गाइज इसका जो ऑर्नामेंट है वो तो आपको साथ के साथ ही मिल जाएगा, जब आप इसको हिट इफेक्ट तक लेके चले जाओगे, ठीक है। तो फाइनल फॉर्म ऐसा रहने वाला है, और लूट गेट ऐसा है गाइज, एंड ग्लोरियस मोमेंट इसका ऐसा रहने वाला है मेरी जान, ठीक है ना। तो ये कुछ चेंजेस हुआ है अपनी गेम के अंदर, 2-3 चेंजेस हुए हैं,
जो आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और मेरे को सबसे बढ़िया वही डील वॉचर वाला लगा, क्योंकि गाइज आप फ्री में 10 CC में जो क्रेट ओपनिंग है आराम से कर सकते हो। एंड इसके अलावा गाइज अभी भी कुछ ऐसा कोई बढ़िया इवेंट नहीं है जिससे आप फ्री में काफ़ी कुछ ले पाओ, या फिर काफ़ी बंदे उसका भी वेट कर रहे हैं, अपना UC परचेज धमाके का, ठीक है ना, UC परचेज का भी वेट कर रहे हैं कि कब तक अपनी गेम के अंदर आएगा। तो मैंने आपके उसके लिए मैंने अलग से काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, मैंने परसों भी वीडियो डाला था, तो वो वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि यूसी परचेज का जो इवेंट है आपको कब तक डिजीमा के अंदर देखने को मिल सकता है मेरी जान। तो फिलहाल ये कुछ वीडियो थी आज की, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं मेरी जान। तो बाय बाय गाइज़।